नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #class10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। दोस्तों ऐसा ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये अक्सर क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 11th में और 12th में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं, बट शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दोस्तों, आप लोगों को इसमें मान लीजिए कि CO2 का कहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। ध्यान से देखिए, ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को जिससे आप लोग दोस्तों देख कर माइंड से ही बना लेंगे इनको। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जरूरी पड़ता है परमाणु संख्या, जरूरी पड़ता है संकेत संयोजकता का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा अगर आप लोग उसका डिटेल्स चाहते हैं। संकेत संयोजकता, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अगर नहीं आता है तो इस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, क्योंकि वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 8। ये याद करना पड़ता है, मैंने इसे याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक बताया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं तो बहुत घाटा होगा आप लोगों को। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये हो गया आपका परमाणु संख्या जो याद रखना पड़ता है। अब आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, इसका भी एक जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से देखिए। आपको याद रखना है 2, 8, 8 और 2, ये याद रख लेते हैं तो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को आप यूं चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यानी कि परमाणु संख्या 6 है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 2, उसके बाद 2, 8 है, लेकिन हमें पुराना कितना है कार्बन का, 6 पुराना है, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कोई पूछता है कितना होता है तो आप माइंड से ही बना लेंगे 2 और 4 होता है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, यहाँ पे 4 क्यों दिए, यहाँ तो 8 था, तो 8 अगर दे देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 पुराना है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रखा, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो ये देखिए, पहले 2 है तो 2 रखेंगे, उसके बाद 8 है तो 8 रखिए, 8 × 2 = 10 हो जाता है, लेकिन हमें पुराना कितना है ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ पे आपको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का 8, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। अब बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन को रखना है बीच में और दोनों तरफ रखिए ऑक्सीजन, ध्यान से देख लीजिए, आज के बाद आपको याद नहीं, भूल कर भी आप नहीं भूल पाएंगे, आपको रटा जाएगा, याद नहीं होगा रटा जाएगा, ध्यान से देखिए। कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, कार्बन का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। देखिए ये जो बिंदु देख रहे हैं, बिंदु यही है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु, यानी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है 4, कहाँ से 4 आया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आया दोस्तों। उसके बाद ऑक्सीजन का 6 है, तो ऑक्सीजन का आप 6 रखिए, 2 ये ऑक्सीजन का, 2, 2, 4 और 2, 6 ये ऑक्सीजन का हुआ, ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन का भी 2, 2, 4 और 2, 6 हो गया। अब एक बात याद रखिए आप लोग ये कि दोस्तों दुनिया में जितना भी तत्व है उसमें सभी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं।
ठीक है, जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वह अपना अष्टक पूरा लेता है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, छोटा सा याद रखिए कि दुनिया में जितना भी तत्व है सभी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है अपवाद में जो सिर्फ दो तत्वों में दो इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाता है, तत्व से नहीं, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है दुनिया में अपवाद में जिसके अंतिम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वह खुश हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भूख लगा हुआ है आपको, अब खाने के लिए आपको जितना चाहिए जिससे कि आपका भूख मिट सके उतना भोजन तो आपको जरूर चाहिए, तभी आपका भूख मिटेगा। उसी प्रकार से सारे तत्व चाहते हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, केवल एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए। अब देखिए, ऑक्सीजन है ये चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका तो अपना है, ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। ठीक है, फिर से ये ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि आदान प्रदान कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बन से ले लिया और ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऑक्सीजन का देखिए अंतिम कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, गिनिए 2, 4, 6 और 8, इसका भी और इसका भी 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो देखिए ये कार्बन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का था और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर से ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब कार्बन के बीच में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 4 और ये 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का भी। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का ये घेरा वाला जो देख रहे हैं उस घेरा में देखिए ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का घेरा वाला अपना देखिए उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन का भी घेरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गया होगा और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे H2O, कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा यौगिक है अगर उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहता है बनाने के लिए तो दोस्तों आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा, संकेत संयोजकता वाला, परमाणु संख्या वाला और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला भी डिटेल्स में समझने के लिए। वैसे आप 1 से 20 तक के किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप शानदार तरीका से निकाल सकते हैं यदि आपको परमाणु संख्या याद है तो। ठीक है, अब देखिए H2O का दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन का आपको पता है तो आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसका तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हाइड्रोजन का 1 है अभी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में होता है दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहेंगे आप यहाँ पे दिए 2-2 करके, यहाँ 2-2 करके, फिर 1-1 क्यों दिए, तो दोस्तों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कर्जा पैसा कुछ भी लेकर के। तो हाइड्रोजन यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 1 लिखा, हाइड्रोजन का 1 अपना खुद का है और 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले लेगा तो ये हाइड्रोजन का अपना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया अंतिम कक्षा में, ये खुश हो गया क्योंकि इसको तो सिर्फ 2 ही चाहिए, 2 ही में ये खुश है। ये हाइड्रोजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, लेकिन ऑक्सीजन चाहेगा हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इस हाइड्रोजन से ले लिया और 1 इस हाइड्रोजन से ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना खुद का है, ये ऑक्सीजन 1 इससे ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 7 हो गया, और ये ऑक्सीजन फिर से इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर जान गए होंगे बिल्कुल आसान तरीका से। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसका एक और वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा,
इसका मैं दोस्तों पार्ट टू लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को हाई लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यूट्यूब पर कहीं जाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि पार्ट टू में मैं आप लोगों को बेसिक लेवल ये था, आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया ये था आपका बेसिक लेवल का, और पार्ट टू जो मैं बताऊंगा वह होगा एडवांस लेवल का, जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं आता है समझ में दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, जानकारी मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।